बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। बीएड का टॉपिक है असिस्मेंट इन एजुकेशन। इसका एमसीक्यूज़ है 60 है। द एटम इन द कॉलम फॉर विच ए मैच इज सॉट इज कॉल्ड प्रोमिस कहलाता है। आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स डेमोस्ट्रेट बाय मैचिंग एटम्स कहलाता है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज़ स्टीम कहलाती है। स्टेटमेंट में एमसीक्यूज में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टम कहते हैं। द लिस्ट ऑफ द सुगेस्ट आंसर इन एमसीक्यूज अल्टरनेटिव होते हैं, चॉइस होती है, ऑप्शन होते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव्स। द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड आंसर कहलाता है। इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज डिस्ट्रैक्टर कहलाता है। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट एटम इज कॉल्ड एमसीक्यूज होता है। द टेस्ट द टाइप ऑफ ऐसे एटम इन विच ए कंटेंट आर लिमिटेड इज ऐसे टाइप टेस्ट के टेस्ट जो है दो तरह का होता है। एक है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, दूसरा है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है ये जिसमें हद बंदी की जाती है, जो बच्चे को हम जो टेस्ट में देते हैं कि आप लोग चार लाइन का जवाब दें, ये किस में आएगा, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आएगा। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में है, इसमें हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होती है, जैसा कि इंटीग्रेशन वगैरह, ये किस में आएंगी, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आएंगी। अब इसका राइट ऑप्शन है, ए है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्योंकि कंटेंट आर लिमिटेड है इसमें। राइट ऑप्शन इसका क्या है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। द एबिलिटी टू सिलेक्ट ऑर्गेनाइज इंटीग्रेटेड एवल्यूएटेड आइडियाज इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। द स्कोर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर इन ट्रू फॉल्स एटम बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन फार्मूला विल बी 40। इसका राइट ऑप्शन 40 है। गेसिंग करेक्शन फार्मूला होता है, इसको SR से सर कहते हैं। R से मुराद है राइट, W से मुराद है रॉन्ग। राइट हमारे पास 70 थे और रॉन्ग जो थे वो 30 थे। 70 में से 30 चले जाएँ, क्या बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 40 है। द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर इन एमसीक्यूज एटम हैविंग 4 ऑप्शन बाय अप्लाइंग ए गेसिंग करेक्शन फार्मूला विल बी, इसका राइट ऑप्शन डी है, 60 है। अभी हमारे पास है, इसमें करेक्ट है 70, रॉन्ग है 30 और गेसिंग करेक्शन फॉर्मूला इसके ऑप्शन के हमारे पास 40 है। SR इज इक्वल टू इसका फार्मूला है R माइनस W बाय N माइनस 1। राइट हमारे पास 70 थे, माइनस रॉन्ग कितने थे, 30 थे और N इसमें कितनी तादाद थी, 4 थी माइनस 1। अब चार में से चला जाए 3 बच जाएगा, 30 को फिर 3 पे तकसीम करेंगे 10 बचेगा, 70 में से 10 चले जाए 60 आता है हमारे पास। राइट ऑप्शन इसका क्या है, 60 है। द एनालिसिस ऑफ एटम इज नेसेसरी इन स्टैंडर्ड्स टेस्ट होते हैं। विच वन इज नॉट टाइप्स ऑफ ए टेस्ट बाय पर्पस ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं। इसके बाद है द टाइप ऑफ ए टेस्ट बाय मेथड इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द अदर स्टूडेंट, स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि कौन से टेस्ट में, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में किया जाता है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, वो क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। द टेस्ट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेस्ट में जो लर्निंग आउटकम हासिल होती है वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाती है। द टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस,
फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ किया जाता है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज अल्फ्रेड बिनेट। द फार्मूला टू डिटरमाइन आई क्यू वाज प्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम ने दिया था फार्मूला। आई क्यू ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी, यहाँ पे आई क्यू दिया हुआ है, इसकी फिजिकल और मेंटल एज सेम है। फर्ज कर दें अगर हमारे पास है, इसका फार्मूला होता है एम ए बट्टा सी ए ज़रब 100। एम ए हमारे पास फर्ज कर दें 10 20 है और इसकी मेंटल एज भी 20 है क्योंकि सेम है। 20 20 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। द आई क्यू ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग 12 ईयर्स मेंटल एज एंड 10 ईयर्स फिजिकल एज विल बी, अब आई क्यू का जो फार्मूला है एम ए बटा सी ए ज़रब 100। हमारे पास है एम ए दिया हुआ है 12 और फिजिकल एज उसकी है 10 है। 12 बटे 10 ज़रब 100 क्या बच जाएगा, 120 बच जाएगा। द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर इज कॉल्ड वैलिडिटी। द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट डिटरमाइन बिटवीन हाई अचीवर एंड लो अचीवर इज डिफरेंट एबिलिटी, ये राइट ऑप्शन इसका डी है। इफ द स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फैक्टर क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट टू गिव ए सेम स्कोर व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट ए डिफरेंट ओकेजन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का की पॉइंट है, जहाँ पे सेम स्कोर होगा वहाँ पे क्या आता है, रिलायबिलिटी आता है। इफ द सैंपल ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट इज सिग्निफिकेंटली लार्ज एनफ द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड एक्विडेंसी, राइट ऑप्शन इसका क्या है, सी है। द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट शोइंग इजी ऑफ टाइम कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रटेशन इज कॉल्ड यूजबिलिटी, राइट ऑप्शन इसका बी है। एटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड आउट करता है ऑल ऑफ एबव्स को। फैसिलिटी इंडेक्स ऑफ एन एटम डिटरमाइन इजी और डिफिकल्टी, इजी भी होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। इसमें हाई एंड लोअर अचीवर्स आर स्कोर आउट बाय, उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं हाई और लो अचीवर को। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इज फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल रेंज फ्रॉम 30 से 70, इसकी रेंज क्या होती है, मुश्किल से 30 होता है और इजी कहाँ पे होता है, 70 पे होता है। टेस्ट आइटम इज वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल इज हायर देन, किस में आएगा, 70 में आएगा। 70 तक क्या होगा, हमारे पास इजी टेस्ट होगा। टेस्ट आइटम इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल इज लेस देन 30% होता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन एटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0.30 - 1। टेस्ट एटम डिस्क्रिमिनेशन 100% व्हेन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज 1, ये 100% किस पे देगा, 1 पे देगा। टेस्ट आइटम इज कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर एंड हाई अचीवर व्हेन इट्स वैल्यूज लोअर देन 0.30 से होता है, लोअर किस पे होगा, 0.30 पे होगा। गुड डिस्ट्रैक्टर इज दैट विच, राइट ऑप्शन इसका बी है, अट्रैक्ट्स द लो अचीवर्स मोर देन हाई अचीवर्स। बैड डिस्ट्रैक्टर इज दैट विच, इसका राइट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ एबव्स है। द टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हेन इंटरव्यूई इज वन, ये क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है। व्हाट इज इंटरव्यू कॉल्ड व्हेन इंटरव्यूई आर मोर देन ग्रुप इंटरव्यू,
ग्रुप की शक्ल में लिया जाता है बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू। द प्लान इंटरव्यू इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहलाता है। डिस्कशन इज कंसंट्रेट वन ऑन वन प्रॉब्लम इज फोकस्ड इंटरव्यू कहलाता है। एक प्रॉब्लम पे क्या कहलाता है, फोकस इंटरव्यू कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क कॉल टू एवेल्युएट द परफॉर्मिंग ऑफ ए स्टूडेंट इज कॉल्ड पार्ट फेल्यू कहलाता है। द टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड, इसका राइट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ एबव्स है। व्हाट इज द एवरेज, इसकी एवरेज मालूम करती है, इन सब को जमा करना है और इस पे एन पे तकसीम करना है, ये आएगा ए 21.5। व्हाट इज द मोड ऑफ, मोड का मतलब है जो इस भारत में हमारे पास रकम बार बार हो, रिपीटेड हो, वो क्या इसमें फाइव है, ज़्यादा बार आया है फाइव। व्हाट इज़ द मीडियन, मीडियन आपने मालूम करना है। अगर इसमें हमारे पास हैं जोफ तादाद हैं तो मैंने पीछे फार्मूला बताया था, यानी इवन नंबर, उसका फार्मूला होता है एन प्लस वन बाय टू, ऑड का क्या होगा एन बाय टू होगा, उसका जवाब आएगा फाइव। व्हाट इज़ द मीडियन, ये भी ऐसे है, ये टोटल अदाद छः हैं, आठ इवन नंबर है, एन प्लस आठ जन सिक्स बाय वन, सेवन बाय टू, सेवन बाय टू पे तकसीम करेंगे 3.5 आएगा। एटम विद डिफ़िकल्टी एट इंडेक्स ऑफ 5% इस किस में आएगा, डिफ़िकल्ट में आएगा। क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट टू गिवन ए सेम स्कोर एट टू टाइम इज कॉल रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे दो मरतबा टेस्ट की क्वालिटी की गई है, सेम स्कोर आए हैं, यहाँ पे सेम स्कोर है वो किस में आता है, रिलायबिलिटी में आता है। अल्फ्रेड बिनेट मेजर कंस्ट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल कहलाता है। द स्कोर विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इंटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड मीडियन कहलाता है, जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। द स्कोर इन इज डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड कहलाता है।